लंदन में 22 अक्टूबर को सोने का एक सिक्का नीलाम होने जा रहा है। तो ये जो सिक्का है इसका भारत से कनेक्शन है और ये लंदन में नीलाम हो रहा है। ये नीलामी जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1,90,00,000 से ज्यादा। और अब आइए हम बताते हैं कि आखिर इसका भारत से कनेक्शन क्या है। दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना और सही वीडियो पर क्लिक किया। अगर आपके पास प्राचीन काल के पुराने सिक्के और नोट हैं, आप उन्हें बेचना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें। मैं आपको इस वीडियो में पुराने सिक्के और नोट बेचने का सबसे सरल और आसान तरीका बताऊंगा। इस तरीके के माध्यम से हर कोई व्यक्ति अपने नोट और सिक्के बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता है। अगर आप सोशल मीडिया पर YouTube पर पुराने नोट और सिक्कों की वीडियो देख देखकर परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, अभी तक आपका कोई भी रियल ओल्ड कॉइन बायर से संपर्क नहीं हुआ है या फिर आपको कॉइन एग्जीबिशन का सही एड्रेस नहीं मिला है तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखना। मैं आपको इस वीडियो में अभी जो कॉइन एग्जीबिशन चल रहे हैं उसका मैं आपको एड्रेस बताऊंगा। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली में जो अभी एग्जीबिशन लगेगा उनका टाइमिंग और एड्रेस मेरे पास आ चुका है। साथ में अगर आप अहमदाबाद के रहने वाले होंगे, गुजरात के रहने वाले हैं तो गुजरात में अभी इस महीने का सबसे बड़ा कॉइन एग्जीबिशन अहमदाबाद में ओपन होने जा रहा है, उसका भी टाइमिंग एड्रेस मेरे पास आ चुका है। साथ में आप लखनऊ के रहने वाले होंगे, यानी कि दोस्तों आप इंडिया के किसी भी क्षेत्र से यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नजदीकी कॉइन एग्जीबिशन में कब जा सकते हैं। जो भी अलग अलग कॉइन एग्जीबिशन लगते हैं उनका अलग अलग निश्चित टाइमिंग रखा जाता है तो मैं आपको टाइम बता दूंगा कि कब कहां पर एग्जीबिशन लगेगा। अब दोस्तों इसके अलावा आप सभी ध्यान रखें कि पुराने सिक्के और नोट बेचने के लिए आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। किसी को भी आपको नोट और सिक्के बेचने के लिए एक रुपया भी आपको फीस नहीं देना है। 100, 200, 500, 1000 रुपए की तो दूर की बात है। आजकल सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है। भाइयों फ्रॉड लोगों से बचें। मैं आपको इस वीडियो में जो जानकारी दे रहा हूं उसे आप समझें, कौन से एग्जीबिशन में कौन से सिक्के और नोट बिकेंगे सारी जानकारी दूंगा। आज मैं आपको इस वीडियो में जो 5 अलग अलग नोट बता रहा हूं और कुछ सिक्के बता रहा हूं, ये सिक्के और नोट आपके पास मिल जाते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से कम आप है जो 10,00,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन बशर्त यह है बताई गई करेंसी आपके पास होनी चाहिए। तो मैं आपको आगे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कौन से बायर को कौन सी करेंसी भेजनी है और साथ में मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि एग्जीबिशन भारत में कहां पर चल रहे हैं, उनका टाइमिंग क्या है, सारी बेसिक तौर पर इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। इसलिए प्यारे दोस्तों वीडियो पूरा ध्यान से देखना। अगर आप पुराने सिक्के और नोट बेचना चाहते हैं तो मेरी एक ही शर्त रहेगी, इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उसे आपको समझना होगा। बाकी ऐसे ही नोट और सिक्कों के बारे में हमेशा सही इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आपके पास में ये जो नोट देख रहे हैं 1 रुपए का आपके पास में ये वाला नोट मिल जाता है तो ये नोट आपके पास में है तो यहां पर आपका बिक जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं यही नोट आपके पास में होने चाहिए। दोस्तों 1 रुपए के अलग अलग तरह के नोट है, एक तो जो आप ये देख रहे हैं ये वाला नोट है, सेकंड जो नोट देख रहे हैं ये भी नोट है, लेकिन दोस्तों इनमें रेयर नोट कौन सा है। नेक्स्ट ये जो नोट देख रहे हैं 1 रुपए का नोट है, आपके पास में ऐसे नोट मिल जाते हैं इनमें रेयर नोट, मैं आपको बता रहा हूं वैसा नोट हुआ तो वाकई में उस नोट की कीमत ज्यादा मिलेगी। ये जो नोट देख रहे हैं स्क्रीन पर अभी, ये वाकई में अभी के टाइम में इस नोट की वैल्यू कॉइन एग्जीबिशन में 2,00,000 रुपए से लेकर 5,00,000 रुपए तक इस नोट की कीमत है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1 रुपए का, ऐसा सेम आपके पास में नोट होना चाहिए। कोई भी एग्जीबिशन में आप बेच सकते हैं 2,00,000 रुपए से 3,00,000 रुपए तक इस नोट की वैल्यू, जो जॉर्ज पंचम वाला नोट है। बाकी दोस्तों ये जो 1 रुपए का नोट है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, नोट का गड्डी है तो अच्छी प्राइस में बिक जाएगा, लेकिन ऐसा सिंगल नोट आपका ज्यादा रुपए की कीमत में नहीं बिकता है। दोस्तों सोशल मीडिया पर आपको नॉर्मल करेंसी की कीमत मुंह मांगी बताकर आपसे जो जो पैसे लेते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, उनसे आपको बचना है। ये नॉर्मल करेंसी नहीं बिकती है ज्यादा कीमत में। बाकी ये भी 1 रुपए का फैंसी नंबर वाला नोट हुआ तो बिक जाएगा, लेकिन नॉर्मल नोट कम प्राइस में बिकेगा। लेकिन जो अभी नोट देगा ना ये वाला, अगर आपके पास में ऐसा सेम 1 रुपए का नोट मिल जाता है, AK रॉय विद सचिव के हस्ताक्षर वाला सेम ऐसा नोट होना चाहिए जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो ऐसा सेम नोट है तो इसकी वैल्यू आपको 30,000 रुपए से 40,000 रुपए तक सिंगल नोट की प्राइस मिल जाएगी। अब दोस्तों ऐसे तो नोट का गड्डी हुआ तो प्राइस ज्यादा मिलेगी, और ये जो सिंगल नोट देख रहे हैं इसकी सिंगल नोट की भी वैल्यू आपको 30-40,000 रुपए तक मिल जाएगी। और दूसरा मैंने जो आपको 1 रुपए का नोट बताया, ऐसा आपके पास में 1 रुपए का नोट है, ये तो वाकई में रेयर नोट है, एग्जीबिशन में भी इसकी फुल डिमांड है। अब दोस्तों मैं आपको दूसरे भी नोट बता देता हूं, जैसे कि यहां बोट वाला नोट है, 10 रुपए का जो नाव वाला नोट है ना, ये वाला आपके पास में ऐसे नाव वाले नोट मिल जाते हैं तो भी यहां पर आप बेच सकते हैं। नाव वाले अलग अलग तरह के नोट हैं, मैं आपको बताऊंगा जो भी नोट है उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं
ये जो नोट है इसमें राणा मल्होत्रा गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। दूसरा एक और नोट है 10 रुपए का बोट वाला, वैसा भी आपके पास में नोट हुआ तो उसकी वैल्यू और भी ज्यादा मिलेगी। जैसे कि दोस्तों यहां जो स्क्रीन पर नोट देख रहे हैं ना, ऐसा आपके पास 10 रुपए का बोट वाला नोट है तो ये रेयर नहीं है। दूसरा मैं आपको नोट बताऊंगा वो रेयर है। बाकी इनके अलावा जो स्टार वाले नोट होते हैं, ये जो स्टार सीरीज के जितने भी नोट होते हैं ना, स्टार वाले नोट भी यहाँ पर आपके बिक रहे हैं। आपके पास में ऐसे स्टार वाले 10 रुपए के नोट हैं, या फिर आपके पास में ऐसे 100 रुपए के स्टार वाले नोट मिल जाते हैं, या फिर इनके अलावा दूसरे भी आपके पास में नोट हैं। बस स्टार होना चाहिए, आपके पास में स्टार वाला नोट है तो यहाँ पर आपका बिक जाएगा। अब 10 रुपए के बोट वाले नोट की बात करें तो ये जो 10 रुपए का बोट वाला नोट है ना, स्क्रीन पर 10 रुपए का बोट वाला नोट देख रहे हैं, वाकई में इस नोट की वैल्यू अभी के टाइम में 20,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक इस नोट की वैल्यू है। इसके फ्रंट साइड में आप देखेंगे तो सीडी देशमुख गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। ऐसा ही सेम नोट होना चाहिए जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ऐसा नोट आपके पास में है तो यहाँ पर आपका बिक जाएगा। अब दोस्तों इसके अलावा मैं आपको कुछ और नोट बता रहा हूं जो आपके पास में है तो यहाँ पर आपके अच्छी कीमत में बिक रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास में ऐसा 100 रुपए का नोट मिल जाता है, डबल हाथी वाला। आपके पास में ऐसा सेम नोट होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति के पास, किसी भी सज्जन के पास ऐसा डबल हाथी वाला नोट मिल जाता है, ऑरेंज कलर में सेम ऐसा नोट होना चाहिए। सच में ये नोट अभी के टाइम में है जो लाखों रुपए की कीमत में बिक रहा है। अब दोस्तों अगर आपके पास में ऑरेंज कलर में ऐसा नोट हुआ तो उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी, लाखों रुपए मिलेगी। और बाकी इनके अलावा ऐसा ही नोट आपके पास में है और इसमें कलर में अगर डिफरेंट है, जैसे कि ये देख रहे हैं दूसरा जो ऑरेंज जो नोट देख रहे हैं हाथी वाला, ये नोट इतना रेयर नहीं है, लेकिन आपके पास में ऑरेंज कलर वाला डबल हाथी वाला आपके पास नोट मिल जाता है। फ्रंट साइड में आप आएंगे तो HVR लेंगर गवर्नर के हस्ताक्षर देखने को मिलेंगे। सेम ऐसा आपके पास में नोट होना चाहिए। सच में ये नोट अभी के टाइम में एग्जीबिशन में है जो लाखों रुपए की कीमत में बिक रहा है। 2 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक इसकी भी कीमत है। जो स्क्रीन पर देख रहे हैं UNC कंडीशन में नोट है तो यहां पर आपका अच्छी कीमत में बिकेगा। दोस्तों आप सभी ने 5 रुपए के ऐसे ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में काफी अफवाहें सुन रखी होगी, लेकिन दोस्तों आपको अभी तक इस ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में रियलिटी नहीं पता है कि सच्चाई क्या है कि ट्रैक्टर वाला नोट कितने में बिकेगा, आपको नहीं पता है इसकी कीमत। तो मैं आपको बता रहा हूं, ट्रैक्टर वाला ऐसा कोई भी नोट नहीं है जो लाखों रुपए की कीमत में बिक रहा है, लेकिन आपको सोशल मीडिया पर ऐसे नॉर्मल नोटों की कीमत ज्यादा बताकर गुमराह किया जाता है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचें। वाकई में नोट और सिक्के बिकते हैं और कॉइन एग्जीबिशन भी लगते हैं, लेकिन नॉर्मल करेंसी नहीं बिकती है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब दोस्तों मैं आप सभी को यह बता रहा हूं कि कौन सी करेंसी, जो मैंने आपको ये अलग अलग नोट और सिक्के बताए, इनकी आपको जो रियल प्राइस मैंने बताई है ना, यही अनुमानित प्राइस मैं आपको बता रहा हूं, ये प्राइस आपको एग्जीबिशन में मिल सकती है। बाकी आप फ्रॉड लोगों से सावधान रहना, एग्जीबिशन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको पूरी रियलिटी पता चल जाएगी कि कौन से नोट और सिक्के कितने रुपए की कीमत में बिकते हैं। किसी भी प्रकार का आपका एग्जीबिशन में ना कोई चार्ज लगेगा, आप कोई भी बायर से मिल सकते हैं। कॉइन एग्जीबिशन में बाहर फॉरेन से भी बायर आते हैं जो आपको आज इन इंडियन ऑयल करेंसी की कीमत मुंह मांगी रहते हैं, यानी कि बड़ा चढ़ाकर देते हैं। तो आपके पास रेयर करेंसी है तो वह बिकेगी। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कुछ सिक्के, अगर आपके पास में जैसे कि जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ऐसा इंदिरा गांधी वाला आपके पास सिक्का मिल जाता है तो इसकी आपको कितनी प्राइस मिलेगी, गेहूं की बालियों वाला ये वाला कॉइन्स हो गया, या फिर आपके पास में दूसरे भी मैं आपको सिक्के बता देता हूं, ऐसे गेंडे की तस्वीर वाले कॉइन्स हैं, इसकी आपको कितनी प्राइस मिलेगी। बाकी ये जो कॉइन्स देख रहे हैं स्मॉल फैमिली वाला, छोटे किसान वाला, आपके पास में ऐसा 1 रुपए का सिक्का है तो ये आपका कितने में बिकेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। साथ में दोस्तों ये देख सकते हैं 20 पैसे वाला कॉइन है, कमल की फोटो वाला, 1970 में जारी किया गया। आपके पास में ये वाला कॉइन्स है तो इसकी आपको कितनी प्राइस मिलेगी मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों ये जो कॉमन सिक्के हैं ना, ये कॉमन सिक्के आपके ज्यादा रुपए की कीमत में नहीं बिकते हैं और सिंगल कॉइन्स आपका ज्यादा रुपए की कीमत में नहीं बिकेगा, आप ध्यान रखें। कुछ सिक्के ऐसे हैं जो आपके पास में मिल जाते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी, लेकिन ये जो कॉइन्स हैं मैंने आपको जो अभी ये जितने भी कॉइन्स बताए, चाहे आपके पास में जवाहरलाल नेहरू वाला सिक्का हो गया, तो ये सिक्के आपके नहीं बिकते हैं, आप सभी फ्रॉड लोगों से सावधान रहना। हाँ, अगर आपके पास में कोई भी अच्छा एल्बम बनाया हुआ मिल जाता है तो उस एल्बम को आप बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में कहां पर कॉइन एग्जीबिशन चल रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं एग्जीबिशन का जो अलग अलग एड्रेस मेरे पास आया है वो कहां पर एग्जीबिशन है उनके बारे में भी मैं आपको बेसिक तौर पर जानकारी दे देता हूं। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं जून महीने की सबसे बड़ी मुद्रा प्रदर्शनी की बात करें तो दिल्ली में मुद्रा प्रदर्शनी लगने वाली है और साथ में अहमदाबाद में एग्जीबिशन लगेगा और इनके अलावा है जो लखनऊ में एग्जीबिशन लगने वाला है। इनका टाइमिंग मेरे पास आ चुका है, मैं आपको टाइम बता रहा हूं दोस्तों कितने दिन तक ये एग्जीबिशन चलेगी। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं जो दिल्ली में मुद्रा
कॉइन एग्जीबिशन ओपन होने जा रहा है, उसका टाइमिंग रखा गया है 28, 29 और 30 जून को है जो ये कॉइन एग्जीबिशन लगेगा। इसका एड्रेस मैं आपको बता रहा हूं, वहीं आप जा सकते हैं। सेकंड दोस्तों, कॉइन एग्जीबिशन की बात करें तो यहां पर अभी के टाइम में जो एग्जीबिशन ओपन होने वाला है अहमदाबाद मुद्रा उत्सव, यानी कि दोस्तों जो अहमदाबाद कॉइन एग्जीबिशन लगने वाला है उसका भी टाइमिंग 21, 22 और 23 जून रहेगा। यानी कि दोस्तों जो ये कॉइन एग्जीबिशन लगते हैं मात्र और मात्र 3 दिन तक चलते हैं। तो इन अलग अलग कॉइन एग्जीबिशन का जो आप टाइमिंग पहले नोट कर लेना, आप एग्जीबिशन में जा सकते हैं, वहां पर आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी कौन से नोट और सिक्के कितने में बिकते हैं। बाकी आप जा सकते हैं लखनऊ मुद्रा कॉइन एग्जीबिशन में, लखनऊ में भी एग्जीबिशन है, वहां पर भी जा सकते हैं, उसका टाइमिंग 7, 8 और 9 जून को रहेगा। तो दोस्तों इन कॉइन एग्जीबिशन में जाकर आपके पास जो भी करेंसी है आप अच्छी कीमत में बेच सकते हैं। यहां पर अगर आप इन कॉइन एग्जीबिशन का अलग अलग टाइमिंग लेना चाहते हैं, एड्रेस जानना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, एग्जीबिशन का सबसे पहले अपडेट आपको वहीं मिलेगा। तो दोस्तों इन कॉइन एग्जीबिशन में आपका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है, किसी को भी आप नोट और सिक्के बेचने के लिए पैसा वगैरह मत देना। अगर आप मेरे कहने के बावजूद किसी को चार्ज देंगे, फीस देंगे, तो उसमें हमारे चैनल की कोई रिस्पॉन्स